नमस्ते दोस्तों, उज्जवल किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के अपने पेट भर के खाओ और खिलाओ रेसिपी है दही वाली भिंडी। देखिए, दही वाली भिंडी बहुत ही बढ़िया बनी थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी। दही के कारण इसमें खटास आई थी और इसकी जो दही के कारण टेस्ट बनी थी वो बहुत बढ़िया बनी थी, बहुत मज़ेदार बनी थी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी दही वाली भिंडी। इसके लिए मैंने 250 ग्राम भिंडी ली है। देखिए, इस तरह से भिंडी को दो टुकड़े कर लीजिए और इसको इस तरह से काटना है आपको। इस तरह भिंडी काटने के कारण भिंडी के अंदर बहुत बढ़िया टेस्ट आ जाते हैं। देखिए, हमारी भिंडी कट के रेडी हो गई है। 2 से 4 ओनियन ले लीजिए, ओनियन को भी अच्छी तरह से काट कर लेना है। 10 से 12 लहसुन की कलियां ले लीजिए, लहसुन से बहुत बढ़िया टेस्ट आती है। और 1 चम्मच गर्म मसाला, ये आप कम भी ले सकते हो, आप कम मसालेदार खाते हो तो। रेड चिली पाउडर लीजिए 1 चम्मच, ये भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। दही लेना है 1/2 कप, इसके लिए 1/2 कप बेसन लेना है आपको। देखिए, इस तरह से बेसन ले लीजिए आप 1/2 कप। बेसन से अपना दही फटता नहीं है, दही और बेसन की इस तरह से घोल कर लीजिए। आप यदि मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, साथ ही कमेंट कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि नई कोई रेसिपी बनती सबसे पहले आप तक पहुँच सके। देखिए, हमारा दही का और इसका घोल बन गया, उसके अंदर जो तीखा है वो भी इसके अंदर डाल सकते हो। 1 पैन के अंदर 2 चम्मच तेल ले लीजिए, खाने का तेल। उसको अच्छी तरह से गर्म होने के बाद उसके अंदर 1/2 चम्मच सरसों के बीज या राई के बीज उसके अंदर डाल दीजिए। उसको अच्छी तरह से फूटने दीजिए और 1/2 चम्मच जीरा बीज भी उसके अंदर छोड़ दीजिए। देखिए, अच्छी तरह से फूट रहे सब जीरा बीज और ये सब। तो फूटने के बाद हमारा जो प्याज था उसके अंदर छोड़ दीजिए। प्याज को अच्छी तरह से ब्राउन होने तक पकाइए। देखिए, हमारा प्याज अच्छे से ब्राउन हो गया है। प्याज ब्राउन होने के बाद उसके अंदर जो हमारे मसाले थे या तीखा था धीरे धीरे करके डाल दीजिए, उसके अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। बाद में फिर उसमें दही भी मार डाल दीजिए, दही का जो घोल बनाया था हमने वो उसके अंदर मिक्स कर लीजिए। उसको अच्छी तरह से उसको लगभग 5 मिनट तक और पकाइए और 5 मिनट के बाद पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो भिंडी थी हमारी कट के रेडी थी उसके अंदर डाल दीजिए, उसको अच्छे से चलाइए, मिक्स कर लीजिए। देखिए, हमारी भिंडी अच्छी तरह से मिक्स हो रही है, थोड़ा सा इसके अंदर चिकनाहट आती है, थोड़ा सा चिकट चिकट लगता है, तो उसमें आप थोड़ा सा नींबू भी डाल सकते हो। ये देखिए, अभी इसके अंदर थोड़ा सा हमने नमक मिलाया है, स्वादानुसार जैसा आपको नमक चाहिए वैसा आप उसमें नमक मिला सकते हो। नमक को अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए, अच्छे तरह से उसको पकाना है आपको। लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाइए आप इसको, उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद लगभग 5 मिनट तक ढक्कन रख के पकाइए, ढक्कन निकाल के चेक कीजिए। यदि आपकी भिंडी आपको लगता है उसमें बहुत सारा चिकट चिकट लग रहा है तो आप उसमें थोड़ा आधा नींबू मिला सकते हो, आधा नींबू का जूस उसमें मिलाइए, उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लीजिए। देखिए, अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपको जैसा उसमें ग्रेवी चाहिए उतना उसमें पानी मिलाइए और पानी मिलाने के बाद आपको लगभग उसको 10 से 15 मिनट तक लो फ्लेम पे उसको पकाइए, ढक्कन रख के। ढक्कन रख के पकाने के बाद हमारी भिंडी बनके रेडी हो गई। थोड़ा सा उसमें धनिया मिलाइए, बहुत ही बढ़िया टेस्टी टेस्टी दही वाले भिंडी जो बहुत ही बढ़िया होती है, हेल्दी होती है, बनके रेडी हो गई है। बहुत ही बढ़िया भिंडी बनी थी, सबको बहुत ही भाई थी, बहुत ही मज़ेदार बनी थी और टेस्टी तो बहुत ही थी। इसलिए आप इसे ट्राई कीजिए, आपकी रेसिपी कैसी बनती है कमेंट करके हमें लिखना ना भूलिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि आपके कमेंट के कारण हम अच्छे अच्छे रेसिपीज बना सकते हैं। आपने हमारा वीडियो एंड तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे नए नए टेस्ट के साथ, नए नए वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी कुकिंग।